जीएल प्लान यूट्यूब चैनल में किसान भाइयों का स्वागत है। हम आए हैं मार्श एरियर के स्टॉल पे, यहाँ पे एग्रोटेक फेयर में। उसमें हम लोग ग्रेडिंग के बारे में किसान भाइयों को बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं नितिन गुप्ता जी, जो हमें किसानों को ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे कि ये अलग अलग साइजेस, वेट्स, कलर, शेप्स और इंटरनल डिफेक्ट्स के बारे में ये चीज़ें हमें समझने को मिलेंगी। मेरा नाम नितिन गुप्ता है और हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीनरी बनाते हैं। ग्रेडिंग सॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे कि किसानों की जो आय है उसमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है वो मैं समझाता हूँ कि जो भी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करता है पूरे वैल्यू चेन में, उसको बेनिफिट मिलता है। किसान जब अपना मटेरियल जब प्रोड्यूस करता है, कोई भी फ्रूट जब प्रोड्यूस होता है, तो वो हर टाइप के कलर, साइज, शेप में आता है। और वो एज इट इज़ जनरली क्या होता है कि ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। और जहाँ पर ग्रेडिंग सॉर्टिंग होती है, तो जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग का जो बेनिफिट है 25-30% जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो उसके पास जाता है जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहा है। हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि ये ग्रेडिंग सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी किसानों तक कैसे पहुंच सकती है। अगर वही चीज़ किसानों तक पहुंच सकती है, तो जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग का 25-30% एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो डायरेक्टली किसान के पास जा सकता है। अब मैं ग्रेडिंग सॉर्टिंग से क्या मतलब है वो समझाऊँगा। अभी आप देखोगे जैसे सेब हैं, ये सेब या फिर कोई भी और फ्रूट लेते हैं, जैसे आम है, आम वजन के हिसाब से अलग अलग ग्रेड होता है। अगर कोई भी इस सेब को ख़रीदने जाएगा मार्केट के अंदर, तो ये शायद 200 रुपये बिकेगा, 200 रुपये में ख़रीदेगा। और यही सेब जो बहुत कम कलर का है, ये इसका जो आपको प्राइस मिलेगा मार्केट के अंदर या जो आप ख़रीदने जाएंगे, तो ये 80-90 रुपये में भी मिल जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस प्राइस के अंदर मिलता है। वो प्राइस का डिफरेंस अगर किसान अपने खेत से ही ले सके, अगर वो अपना प्रोड्यूस अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट पे बेच सके, तो उसकी टोटल इनकम के अंदर 25-30% तक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है किसान को। हर फ्रूट के कुछ अलग पैरामीटर बने हुए हैं मार्केट में, जैसे वो बिकता है। जैसे अगर मैं सेब की बात करूँ, तो वो कलर, साइज़, वेट के हिसाब से बिकता है। अगर मैं आम की बात करूँ मैंगोज़ में, वो सिर्फ वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। कुछ ग्राम से ज़्यादा का जो सेब होता है या मैंगो होता है, उसका प्राइस अपने को मार्केट में अलग मिलता है। वैसे ही अनार है, अनार का भी वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। संतरा है, संतरे की साइज़ के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, उसमें वजन का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो हर एक फ्रूट का एक मार्केट में कुछ ट्रेंड्स बने हुए हैं, या मैं कहूँगा कि कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं जिसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है। तो किसानों को ये ज़रूरी है कि समझना कि मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही वो खरीद में ग्रेडिंग करे, ताकि उसको प्राइस मिल सके। तो अगर ग्रेडिंग मशीन लेनी हो एक आम फार्मर ने, उसको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उसकी अगर वो ग्रेडिंग मशीन लेता है, और क्या आपकी प्राइसिंग है और कैसे आप वो ले सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्रेडिंग मशीन का जो बेनिफिट है, हम अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसानों के लिए ओरिएंटेड हैं, उसके अंदर हम इस तरीके से उसकी कॉस्टिंग डिज़ाइन करते हैं कि अगर मान लो 25-30% अगर वो अपने फार्म से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होने वाला है उससे उसकी लागत रिकवर हो जाती है एक ही साल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है कलर और साइज़ के हिसाब से सेब को बेचने में, वो एक ही साल में वो रिकवर कर सकता है अपनी कॉस्ट, जो भी इसकी कॉस्ट रहेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, 7-8 लाख रुपए में अगर कोई ग्रेडिंग मशीन आ रही है, वो उसकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट उसको एक ही साल में रिकवरी मिल सकती है। हमारे प्राइजेस इसी हिसाब से डिज़ाइन है। ओके सर, तो आशा है किसान भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और उनकी एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी, और प्रोसेसिंग में वो जितना जाएंगे और जितना ये ग्रेडिंग में जाएंगे, उतना ही नई नई चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से उनको लाभकारी रहेगा। तो आशा है अगली वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।